हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन। अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ ने अभी अभी एक वीडियो पोस्ट किया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से ये वीडियो जो है इत्मीनान से देखिए। एंड अब गाइज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नया डेट फाइनलाइज हुआ है। मैं पहले दिन से कह रहा था प्लीज ईद के दिन आइए, प्री ईद मत आओ यहाँ पर, वो डेट सही नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म है, यू नीड अ बिग ओपनिंग, यू नीड दैट डे ऑफ ईद। एंड गाइज फाइनली मेकर्स ने पूरा दिन शांत रहने के बाद शाम को डिसाइड किया, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये लोग जो है वो यूएई गए टाइगर एंड अक्षय, एंड वहां पर ऑब्वियसली ईद जो है वो 10 को है, तो ऑब्वियसली इंडिया में ईद अब 11 को होगी। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ईद 11 को है, लेकिन अब जाके फाइनली सेंस हैज प्रिवेल्ड। अक्षय कुमार ने लिखा है, बड़े और छोटे और पूरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की टीम की तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। देखिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ ऑन ईद विद एंटायर फैमिली रिलीजिंग ऑन 11। सो गाइज फाइनली राहत की सांस जो आते हुए दिखाई दे रही है, तो अब सारा कंफ्यूजन जो है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है, कोहरा जो है छटता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अब गाइज फाइनली जो है वो खुशी के बादल जो है आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गाइज बड़े मियाँ छोटे मियाँ का एक फाइनल डेट आ चुका है। क्यों? इसके पीछे जो मेकर्स है उन्होंने साफ कहा है, हमने हमेशा से कहा था बड़े मियाँ छोटे मियाँ सिर्फ और सिर्फ ईद पर आएगी, कीपिंग अप आवर प्रॉमिस। सो गाइस ईद है थर्सडे को, एंड इस बार ईद का ईद में आप सभी लोगों का स्वागत भैया अक्षय और टाइगर करेंगे भाई। तो गाइस आई एम डैम श्योर नाउ कि अब जो पेड प्रीव्यूज है वो नहीं होंगे, एंड गाइस यहाँ पर सिर्फ मैदान के पेड प्रीव्यूज होंगे, एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ डायरेक्ट ईद का पंच जो है लेकर आएगा। तो भैया फटाफट तैयार होइए और ईद के दिन फिल्म देखने की तैयारी कीजिए। रिलीजिंग इन सिनेमाज थर्सडे ईद 11 अप्रैल। जितने लोगों ने भी टिकटें जो है बुक किए 10 तारीख की, प्लीज अपने थिएटर्स को कॉन्टेक्ट करो, रिफंड के लिए डिमांड करो। जिन्होंने फिजिकली टिकट ली है वो जाके टिकट जो रिफंड है काउंटर से ले सकते हैं। ओवरसीज इतनी एडवांस बुकिंग हुई नहीं है तो कोई चिंता है नहीं है। अब 11 तारीख को मजा आएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन धमाका ओपनिंग जो है फिल्म लेगी। अब उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस जो है ईद के दिन आए एंड इस फिल्म का पूर्ण तरीके से फायदा ले, क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न वाली फिल्म है। समझ में आ रहा है, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जहां पर बहुत सारा सस्पेंस है, इंट्रीग फैक्टर है। पेड प्रीव्यू होता शाम से ही सब लोग सब कुछ आउट हो गया होता तो डेफिनेटली ऑडियंस पे इम्पैक्ट करता। मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि प्री ईद मत आओ, ईद के दिन आओ, ईद का दिन ही फिल्म के रिलीज के लिए है। लेकिन प्री ईद प्री ईद प्री ईद, चलो बहुत अच्छा सेंसिबल डिसीजन है। वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल में नहीं है, मैदान पेड प्रीव्यू कर रहा है तो हम भी पेड प्रीव्यू करेंगे, वो 6 बजे तो हम भी 6 बजे है, अपना दिमाग लगाया यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस ने, बहुत अच्छी बात है। जितने अक्षय कुमार के फैंस है उम्मीद मत हारो, कीप अप योर गुड स्पिरिट्स। जिस तरह से आपने सूर्यवंशी के वक्त पे सपोर्ट किया था, जहाँ पे रोहित शेट्टी रात भर मेहनत करके एडवांस बुकिंग जो खुलाया था, मैं चाहता हूँ अक्षय शुड कम बैक इन फॉर्म। ये गाइस अभी तक फिल्म किसी ने देखी नहीं है, अभी से ही उम्मीद हार देना ये गाइस सरासर बेवकूफी होगी। कीप अप गुड स्पिरिट्स एंड सपोर्ट दिस फिल्म, क्योंकि एक बहुत बड़ी फिल्म है गाइस। दिस फिल्म शुड डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। सो नाउ ब्रेकिंग न्यूज इज बड़े मियाँ छोटे मियाँ ईद के दिन आ रही है 11 तारीख को नजदीकी सिनेमा घरों में। मखमली सी है खुमारी, कमांड बुक योर टिकट्स नाउ मैन, स्टे कूल मैन।